संसार के प्रत्येक आत्मज्ञानी महापुरुष ने प्राणी मात्र को यह आत्मबोध देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाया करता है आता है तो भले ही बंद मुट्ठी आता हूँ पर जाता है तो खुली मुट्ठी जाया करता है गीता के भगवान मानव जाति को यह नसीहत देने की कोशिश करते हैं कि सोचो सोच सोच कर सोचो कि तुम आए थे तो साथ में क्या लेकर आए और जब यहां से जाओगे तो सोचो कि साथ क्या लेकर जाओगे जहां पर ज्ञानी पुरुष इंसान को यह आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक बोध प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि हम न तो कुछ साथ में लाते हैं और न ही कुछ साथ में ले जाया करते हैं लेकिन इसके बावजूद भले ही व्यक्ति अकेला क्यों ना आता हो लेकिन वह जीवन भर अकेला रहता नहीं है भले ही वह मरता अकेला क्यों ना हो पर वह जीवन भर अकेला रहना पसंद नहीं करता व्यक्ति समुदाय के बीच में रहता है समाज के बीच में रहता है इसीलिए हम सब लोग एक सामाजिक प्राणी कहलाते हैं हाँ यदि हम केवल एक एक व्यक्ति ही हों तो कोई भी व्यक्ति जिसे अपने एकत्व का बोध है या जो अकेले रहता है तो अकेले रहने वाला व्यक्ति न तो कभी हिंसा करता है न उससे कभी झूठ बोला जा सकता है न वह कभी चोरी या व्यभिचार कर सकता है क्योंकि वो अकेला है पर जैसे ही एक के साथ दो आ जाया करते हैं तो दो के आते ही कभी कोई बात छिपानी भी पड़ती है कभी किसी को डांटना डपट डपटना भी पड़ता है चोरी भी हो जाया करती है कोई चीज छिपानी भी पड़ती है यानी दो के होते ही नैतिकता की आवश्यकता आ पड़ती है जहां द्वैत है वहीं पर ही सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता है और जहां अद्वैत है सब एक रूप हो गए तो वहां अपने आप ही व्यक्ति नैतिक होता ही है अगर सारे लोग दिगंबर हैं तो उनमें कोई नया व्यक्ति दिगंबर होकर के आ जाए तो कोई असहज नहीं लगेगा पर सारे लोग अगर कपड़े पहने हो, उनमें अगर कोई एक व्यक्ति भी बगैर वस्त्र के आएगा तो तो असहज लगने लग जाएगा दो आते ही राग पैदा हो सकता है अकेला रहे तो राग भी नहीं है दो आते ही द्वेष पैदा हो जाता है राग और द्वेष, मोह और नफरत एक से दो दो से चार चार से दस होने पर ही पैदा होते हैं यदि कोई भी प्राणी जन्म से अकेला आया है और जीवन भर यदि वो अकेला रहता है तो कहीं कोई राग और द्वेष के निमित्त खड़े ही ना हो पाएंगे तो जब हम दो हुए चार हुए दस हुए सौ हुए हजार हुए यानी कि एक व्यापक समाज का निर्माण हुआ तो इस सामाजिक परिवेश के चलते ही हम लोगों के जीवन में नैतिक मूल्यों की सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता होती है यदि केवल हम अपनी व्यक्तिगत चेतना कि मैं अकेला आया हूं अकेला जाऊंगा जीवन भर इस एकत्व का बोध रहता है तो व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक चेतना का स्वामी बना हुआ रहेगा व्यक्तिगत चेतना के दो पहलू होते हैं एक पहलू वह कहलाएगा जिसे हम स्वार्थ मूलक कहेंगे और दूसरा वह कहलाएगा जिसे हम अध्यात्म मूलक कहेंगे दोनों ही व्यक्तिगत है अपने बीवी बच्चों के लिए जीने वाला व्यक्ति वो भी स्वार्थी कहलाता है और अपने ध्यान साधना आत्मकल्याण और निर्वाण के लिए जीने वाला व्यक्ति भी उसी व्यक्तिगत तौर पर ही जिया करता है यदि एक गृहस्थ व्यक्ति वो अपनी बीवी बच्चों के लिए अगर उल्टे सुलटे करता है तो हम कहेंगे वो स्वार्थी है यदि वाल्मीकि ऋषि ने अपने पूर्व जीवन में गृहस्थ जीवन में जब उनसे पूछा गया क्योंकि हुआ ऐसा कि उन्होंने सप्त ऋषियों पर आक्रमण कर दिया था वाल्मीकि अपने पूरे जीवन में डाकू थे तो सप्त ऋषियों ने अपनी ओर से उस डाकू को संबोधित करते हुए कहा कि सोचो तुम ऋषियों तक पर आक्रमण करने को उतारू हो गए अगर इस पाप का उदय आएगा तो कौन भोगेगा तो बोले कौन क्या भोगेगा सभी लोग भोगेंगे बोले तुम ये पाप कर किसके लिए रहे हो बोले सभी के लिए कर रहा हूं मैं मेरे बच्चे मेरी बीवी मेरे माँ बाप उनके लिए कर रहा हूं तो क्या इन पाप का उदय आएगा तो वो भी सहभागी बनेंगे जाओ घर जाकर के पूछ के आ जाओ जाता है घर वाले सब नट जाते हैं और कहते हैं हम तो सब सुख के साथ ही हैं दुख तो इंसान को अकेले ही भोगना पड़ता है कहते हैं वाल्मीकि का दिल इस तरह से बदल जाता है सामाजिक जीवन में भी यदि हम लोग अपनी ओर से कोई भी उचित अनुचित कुछ भी करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि चाहे बीवी बच्चे जो कुछ भी हैं ये स्वार्थी चेतना वाले लोग कहलाएंगे पर गुफावास करने वाला व्यक्ति वो भी तो अकेले जीता है व्यक्तिगत जीवन जीता है अपने स्वांत सुखाए जीता है अकेला चला जाता है अकेले बैठा रहता है एक गृहस्थी व्यक्ति भी अपने अकेले के लिए जिया करता है उसको दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं होता और संत को भी साधक को भी योगी को भी कोई प्रयोजन नहीं होता लेकिन फर्क है व्यक्तिगत चेतना तो दोनों की कहलाएगी फर्क यह है कि पत्नी और बच्चों के स्वार्थ में अंधे होकर के कुछ भी काम करना यह व्यक्ति की चेतना का अधा पतन कहलाएगा और गुफावास स्वीकार करते हुए अपने जीवन के आध्यात्मिक कल्याण के लिए संसार से मो माया छोड़ देना ये उसका ऊंचा उठना कहलाएगा है तो दोनों ही स्तर पर व्यक्तिगत लेकिन एक में व्यक्ति नीचे गिरता है और एक में व्यक्ति ऊपर उठता है हर व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना का स्वामी बने आध्यात्मिक सौंदर्य का स्वामी बने उसका आभा मंडल आध्यात्मिक हो जरूरी है पर हर व्यक्ति तो खासतौर पर जो स्वार्थ में अंधा बन चुका है उसकी चेतना में कहीं कोई अध्यात्म की हवा अध्यात्म की आभा देखने को नहीं मिल सकती भगवान श्री महावीर वे चाहते हैं कि व्यक्ति चाहे वो पत्नी और बच्चों के साथ भी क्यों न जी रहा हो पर उसकी आध्यात्मिक चेतना का निर्माण हो सके उसका आध्यात्मिक सौंदर्य बढ़ सके आध्यात्मिक आभा मंडल निर्मित हो सके उसकी सामाजिक चेतना बेहतर बन सके इसके लिए ज़रूरी है कि वह समाज में जीता है तो सामाजिक नियमों का सामाजिक मूल्यों को वो अपने जीवन में जिए स्वीकार करें और ऐसा करने के लिए ही उन्होंने अपनी ओर से एक खास संदेश दिया है और वो है व्रत अणुव्रत या महाव्रत व्रत का मतलब होता है विरत होना अलग होना तो किनसे अलग होना गलत कार्यों से अपने आप को अलग करने का नाम व्रत है अंधविश्वासों से बुराइयों से अपने आप को अलग करने का नाम विरत करने का नाम व्रत है सामान्य तौर पर आम इंसान व्रत का मतलब निकालता है कि आज एकादशी का व्रत है आज संतोषी माता का व्रत है आज शिव जी का या महावीर जी का व्रत है तो व्रत यानी कि आज दिन भर में एक समय ही खाना खाऊंगा बाकी दो चाय दिन भर में ग्रहण कर लूंगा ये तो व्रत हुआ आहार का व्रत महावीर एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो इंसान के आहार को ही केवल व्रत के रूप में नहीं ढालते वरन वो इंसान के आचरण को इंसान की वाणी को व्यवहार को यानी उसके पूरे जीवन को ही व्रत की परिधि में लेना चाहते हैं महावीर ने पांच व्रत दिए हैं महावीर के पांच व्रतों में पहला है अहिंसा दूसरा है सत्य तीसरा है अचौर्य चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य ये पांच व्रत एक तरह से इस मानव जाति को दिए गए महावीर के द्वारा पंचामृत है ये पांच व्रत नहीं ये पांच व्रत अपने आप में पंचामृत है ये। बस अब अपन उसी की चर्चा करेंगे महावीर के ये जो पांच व्रत हैं, ये अपने आप में पंचामृतम के समान है यानी पांच प्रकार का यह अमृत है यदि कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में एक शांति मूलक जीवन चाहता है एक स्नेहमूलक जीवन चाहता है स्वयं के द्वारा दूसरों के प्रति दूसरों के द्वारा स्वयं के प्रति एक सौम्य व्यवहार एक कोमल और मृदु व्यवहार चाहता है तो उसे स्वयं को भी ये पांच व्रत धारण करने होंगे और सामने वाले को भी ये पांच व्रत धारण करने होंगे एक तरह से महावीर के ये पांच व्रत पूरी दुनिया के लिए दिए गए वो संदेश हैं जो दुनिया को सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ता है एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाता है पहला व्रत अगर हम लेते हैं तो पहला व्रत है अहिंसा मन वचन और काया के द्वारा हिंसा का त्याग करना इसका नाम है अहिंसा अपने भाषण और अपने कृत्य के द्वारा किसी को भी ठेस न पहुंचाना इसका नाम है अहिंसा अर्थात ऐसी भाषा का उपयोग न किया जाए जो भाषा दूसरों के लिए मर्मांतक हो और ऐसे कृत्य या कार्य न किए जाए जो दूसरे के लिए हानिदायक हो इसीलिए महावीर ने सिद्धांत दिया जियो और जीने दो मेरी समझ से पूरे संसार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस सूत्र और इस नारे की आवश्यकता है कि तुम खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो तुम खुद भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से जीने का अधिकार दो यदि मैं चाहता हूं कि मैं शांति पथ का उपासक बनूं तो मुझे शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए शांति की बात तो सभी लोग करते हैं लेकिन शांति भरे शब्दों का उपयोग अपन लोग नहीं कर पाते हैं और शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं वहीं पर ही अशांति पैदा हो जाती है और जब जब भी अशांति खड़ी होती है तब तब हिंसा के निमित्त हमारे सामने बन जाया करते हैं जहाँ तक आपकी जिज्ञासा है कि जियो और जीने दो का सिद्धांत गृहस्थियों के लिए है या साधक के लिए एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिद्धांत प्राणी मात्र के लिए होते हैं फर्क केवल इतना हो सकता है कि साधक उसको परिपूर्णता के साथ जीता है संत उसे पूर्णता के साथ जीता है आम व्यक्ति उसका आंशिक रूप जीने का प्रयत्न करता है यह धरती जियो और जीने दो के सिद्धांत पर ही टिकी रह सकती है मरो और मारो के सिद्धांत पर यह धरती कभी भी टिकाई नहीं जा सकती यदि पूरी दुनिया एक ही सिद्धांत को अपना बैठे कि मरो और मारो तो जरा बताओ कि दस साल में धरती के क्या हाल होंगे ये बुनियादी परंपराएं हैं और बुनियादी भेद है एक परंपरा कहती है मरो और मारो और दूसरी परंपरा कहती है जियो और जीने दो तो जो मरो और मारो का सिद्धांत अपनाते हैं वे दुनिया में मारकाट मचाते हैं खून खराबा करते हैं कतले करते हैं और जियो और जीने दो का सिद्धांत कहते हैं भाई तुम खुद भी शांति से जियो और हमको भी शांति से जीने दो ना हम मरना चाहते हैं और ना तुम्हें मारना चाहते हैं पर हां अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें मारने को उतारू हो जाएगा तो हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंसा की गली खोलनी पड़ सकती है लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि हिंसा इस दुनिया का समाधान कतई नहीं है इस दुनिया का समाधान अहिंसा है अतीत में भी यही समाधान बना और भविष्य में भी यही समाधान बनेगा अहिंसा यानी कि जो लोग पहले चरण में तो यह निवेदन करूंगा कि जो लोग मांस मदिरा का उपयोग करते हैं उन लोगों को चाहिए कि वे केवल इस बात को समझने की कोशिश करें किस धरती पर चाहे कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है क्या हम लोग चाहते हैं कोई हमारी निंदा करे क्या हम लोग चाहते हैं कोई हमें थप्पड़ मारे क्या हम लोग चाहते हैं कोई हमारा अपमान करे कोई हमारी उपेक्षा करे हम अपने लिए तो चाहते हैं कोई हमारे साथ ऐसा ना करे पर हम ही लोग जब दूसरों के साथ ऐसा कर बैठते हैं तो, तो इसका मतलब साफ है कि हर व्यक्ति अपने साथ तो अहिंसा मूलक वातावरण चाहता है अपेक्षा रखता है पर दूसरों के साथ हिंसा मूलक व्यवहार करने पर उतारू हो जाता है कौन व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता होगा मगर हम ही लोग फिर भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर बैठते हैं जो लोग मांसाहार करते हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि अब दुनिया में इतने आवागमन के साधन बढ़ चुके हैं कि एक देशवासी दूसरे देशवासियों तक हर तरह के खाद्यान्न पहुंचा सकता है तो ऐसी स्थिति में फिर वो किसी भी जीव की हत्या क्यों करें क्या जो लोग मांस मदिरा का उपयोग करते हैं क्या वे लोग कभी सागर के किनारे खड़े होकर किसी वेल मछली या बच्चों के साथ नृत्य करने वाली और कोई मछली क्या उन्होंने उनसे कभी मोहब्बत नहीं की क्या उन्होंने उनके साथ कभी खेल प्रमोद आमोद प्रमोद नहीं किया जो व्यक्ति आज यदि बकरे को काटता है क्या उसने कभी बकरे के शरीर पर प्यार से हाथ नहीं सहलाया तो जब प्यार से हाथ सलाहया होगा तो उसे जरूर एहसास हुआ होगा कि जो एहसास इस जीव जंतु को है वही एहसास मुझे है या जो एहसास मुझे है वही इस जीव जंतु को भी है तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव जंतु से प्यार करने लग जाए तो भीतर की फीलिंग अपने आप हो जाएगी कि मुझे ऐसा मानसार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए धर्म के लिहाज से तो छोड़ो एक मानवीय लिहाज से भी यह उचित नहीं है कि व्यक्ति ककड़ी लौकी टमाटर भिंडी इनके रहते हुए भी किसी मांस मछली मुर्गे का उपयोग करे हमें मछली खाने की बजाय उन्हें पानी में तैरते हुए देखने का आनंद लेना चाहिए हमें किसी चिड़िया को अपना तीर चलाने की बजाय उसे आसमान में उड़ते हुए देखने का मजा लेना चाहिए क्योंकि कुदरत उनके जरिए हमें आनंद दे सकती है तो हमें उनसे आनंद लेना चाहिए न कि हमें तितलियों की चटनी बनाकर के खाने की कोशिश करनी चाहिए हर प्राणी जीना चाहता है हम भी जीना चाहते हैं हमें दूसरों को मारने का अधिकार तभी होता है जब हम उन्हें वापस जीवित करने का अधिकार रखते हो और अगर हम किसी को पुनर्जीवन नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है एक मां जो बच्चे को चांटा मारती है वो उसी हक के कारण चांटा मारती है क्योंकि उसको प्यार भी करती है तो प्यार करती है तो उसको चांटा मारने का अधिकार है पर अगर वो प्यार नहीं करती तो उसको चांटा मारने का अधिकार सबको हमें अधिक से अधिक जीना चाहिए अहिंसा का मतलब केवल यह नहीं है कि हिंसा मत करो अहिंसा का मतलब है कि अपने से जो कमजोर हैं उनके प्रति दया भाव रखो, करुणा भाव रखो सहयोग की भावना रखो दान की भावना रखो यह अहिंसा को जीने का प्रैक्टिकल स्वरूप है इसीलिए तो वो कहा जाता है ना कि दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण जब तक इंसान के घट में प्राण है तब तक उसे दया धर्म नहीं छोड़ना चाहिए कौन आदमी कितना धर्म करता है यह मत देखो यह देखो कि किस आदमी के दिल में कितनी दया है कौन आदमी कितनी तपस्या करता है उसकी तपस्या को मत देखो यह देखो कि उस आदमी के दिल में कितनी शांति और समता है कौन आदमी कितना बड़ा है यह मत देखो यह देखो कि वह आदमी छोटों को माफ करने के लिए अपने बड़प्पन का कितना उपयोग करता है यह देखो कौन संत कितने साल पुराना है और कौन संत कितने साल का नया है इस उम्र को मत देखो वरन यह देखो कि वह संत अपने जीवन में कितनी ज्यादा सज्जनता रखता है गुण के आधार पर उसकी पूजा होनी चाहिए क्या हम उसे तपस्वी कहेंगे जो तीन दिन तक तो उपवास करता है मगर तीसरे दिन दिन भर हो हल्ला गाली गलौच करता है हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे कि हम उसको तपस्वी कहें तो आदमी की जो दया है वो बताती है कि इस आदमी में अहिंसा है या नहीं है मैं हिंसा नहीं करता मैं हिंसा नहीं करता भाई नहीं करते हो तुम मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा अरे भाई तुमने प्यार भी तो नहीं किया थप्पड़ नहीं मारा तो क्या हो गया थप्पड़ न मारने से हम अहिंसा के अनुयायी तो कहला सकते हैं लेकिन किसी को प्यार और मोहब्बत करके हम दया और मैत्री धर्म के उपासक भी कहला सकेंगे इसलिए केवल हिंसा न करना यह अहिंसा की सिखावन नहीं है वरन हिंसा से बचते हुए अपने दिल में दया करुणा क्षमा की भावना को ज्यादा से ज्यादा स्थान देना यह अहिंसा को सही तौर पर जीने का सकारात्मक तौर पर जीने का यह प्रैक्टिकल पार्ट हुआ हाँ जहां तक आपकी ये जिज्ञासा है कि मेडिकल पढ़ाई के लिए उसके जांच कार्य के लिए शोध के लिए जो छोटे छोटे जीव जंतुओं की हिंसा होती है वो कहां तक दोष कहलाएगा हालांकि इंसान की अगर किसी भी तरह की किसी भी तरह की अगर स्वास्थ्य चिकित्सा उसे उपलब्ध करवानी है तो सबसे बेहतर तो यह रहता है कि जो प्राणी मृत हो चुके हैं जो इंसान मृत हो चुके हैं उन लाशों पर प्रयोग किया जाए और वैसे मैं आपको बता दूं प्रत्येक विद्यार्थी को सबसे पहले उन मृत प्राणियों पर ही कार्य करने के लिए कहा जाता है खासतौर पर इंसान अगर लाश के रूप में है तो ही उसकी चीरफाड़ करके और सीखा जाता है हां जहां तक मेंढक बंदर बिल्ली या इस तरह के जीव जंतुओं की काट छटाई चला करती है ये हिंसा तो इसे निश्चित तौर पर कहेंगे और विज्ञान को इसका विकल्प जरूर ढूंढना चाहिए पर विज्ञान इसका विकल्प तभी ढूंढ पाएगा या ढूंढने के लिए तत्पर हो पाएगा जब वह यह स्वीकार करेगा कि मांसाहार अमानवीय है यह पाप है यह दुराचार है यह अक्षम्य अपराध है तो जब तक यह दुनिया मेंढक सांप बंदर इन लोगों को अगर वे ककड़ी भिंडी की तरह उपयोग करते रहेंगे तो उनको ये मेंढक वैंडक काटने में उनको कहीं को दोष ही नजर नहीं आएगा उनको तो गाय काटने में भैंसा काटने में ऊंट काटने में बकरा काटने में जब दोष नहीं नजर आता तो फिर परीक्षण करने के लिए किसी भी मेंढक को मारते उन्हें कोई तकलीफ होगी नहीं लेकिन ज्यो ज्यो उनके भीतर मानवता जगती चली जाएगी त्यों त्यों, त्यों निश्चित तौर पर वे इसके खिलाफ होंगे और वे इससे बचना चाहेंगे इसीलिए जो लोग शुद्ध शाकाहार ग्रहण करते हैं विश्व में वे लोग गाय के दूध का भी उपयोग करना पसंद नहीं करते इसीलिए आजकल एक व्यवस्था चली है वो है मिठाई पर बरक लगाने की तो वो बरक का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बरक बनाते समय चमड़ी का उपयोग होता है तो चमड़े के बटुए के अंदर चांदी या सोने का टुकड़ा रखा जाता है और ऊपर से फिर पिटाई होती है तो मानते हैं कि उस चमड़ी का या चमड़े का अंश उसमें जरूर समाहित होता होगा तो वो लोग बरक नहीं खाते हैं पर वे ही लोग आराम से चमड़े के जूते पहन रहे हैं जो जो इंसान के भीतर मानवता जगती चली जाएगी त्यों त्यों अपने आप वो चमड़ों का त्याग करने पर तत्पर हो जाएगा जब वो चमड़े का त्याग करेगा तो हिंसा भी छोड़ेगा आज हिंदुस्तान में पूरे संसार में आज पूरे संसार में अगर शुद्ध अहिंसा का पालन करने वाले लोग हैं अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में खासतौर पर एक तो ब्राह्मण वर्ग है जो कि शुद्ध शाकाहार ग्रहण करने का प्रयत्न करता है जैन समाज के लोग हैं जो शुद्ध शाकाहार लेने का प्रयत्न करते हैं वैष्णव समाज के लोग अग्रवाल माहेश्वरी या इस तरह की जाति के जो लोग हैं वे लोग भी शुद्ध शाकाहार का प्रयोग करते हैं अभी तक अहिंसा पूरे विश्व में स्थापित हो नहीं पाई है प्रयत्न चल रहे हैं कुछ ही कौम कुछ ही जातियां कुछ ही परंपराएं ऐसी हैं जो शुद्ध रूप से शाकाहार लेती हैं और मांसाहार का वर्जन करती हैं पर बाकी अभी भी लोगों के भीतर मानवता को पैदा होने में वक्त लगेगा अपन सब लोगों को प्रयत्न करने होंगे जिससे कि इंसान इस बात की बुनियादी समझ प्राप्त कर सके कि किस में हिंसा है और किस में अहिंसा है कुछ परंपराएं ऐसी मानती हैं कि ये सब चीज़ें बकरा या इस तरह की जो भी चीजें होती है ये इंसान के उधर पूर्ति के लिए ही बनाए गए हैं अब जो परंपराएं ये स्वीकार करती हैं वे परंपराएं अहिंसा को सूक्ष्म रूप में कैसे स्थापित कर पाएंगे कैसे जी पाएंगे इसीलिए महावीर प्रभु अगर 2600 साल पहले हुए तो आज महावीर और बुद्ध जैसे लोगों की पुनः आवश्यकता है ताकि वे विश्व को अपने विशिष्ट ज्ञान अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा दुनिया को जागृत कर सकें और दुनिया को समझा समझा सकें कि दुनिया का अस्तित्व किन कारणों से किसके बलबूते पर टिका रखा जा सकता है नहीं वहां पर ऐसा निषेध नहीं है नहीं दूसरी परंपराएं जो विश्व में विद्यमान हैं वहाँ पर मांसाहार के लिए इतना कोई विरोध नहीं है निषेध इतना कोई नहीं है वहाँ पर भी दया का स्थान है आज जैसे ईसाई धर्म है इस्लाम धर्म है सिख धर्म है तो पर दया का विधान है क्षमा का विधान है लेकिन जीव जंतुओं के प्रति जितनी दया की आवश्यकता होती है उतनी दया की प्रेरणा न तो दी गई है और न उसको प्रैक्टिकल में लिया जा रहा है जहाँ जहां तक आपका ये कहना है कि हम लोग खाने में बरक का उपयोग नहीं करते हैं उसको हिंसा का निमित्त मानते हैं तो फिर मिठाई वगैरह में जो बरक लगते हैं तो फिर मंदिर में जो भगवान की आंगी के नाम पर जो बरक लगते हैं वो लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए हाँ, हाँ, मैं एक बात निवेदन कर दूं कि यदि व्यक्ति अहिंसा का सूक्ष्म रूप से पालन करने के प्रति जागरूक है तो उसे तो इस बरक का इस्तेमाल न अपने लिए करना चाहिए और न ही परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए पर जो लोग सूक्ष्मता के साथ अहिंसा का पालन नहीं करते हैं और स्थूल रूप में ही जो लोग अहिंसा व्रत का पालन करते हैं वे लोग इस बरक का उपयोग करते हैं बाकी अगर इससे बचो तो अच्छा ही है अगर इससे बचा जाए तो अच्छा ही है पर अगर फिर भी जो लोग उपयोग करते हैं क्योंकि वे अभी स्थूल रूप में ही मोटे तौर पर ही अहिंसा का पालन करते हैं सूक्ष्म हिंसा से वो लोग बचे हुए नहीं हैं तो वो लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं पर हाँ मंदिरों में इन चीज़ों से अगर बचा जा सकता है तो अच्छी बात है अगर फूल भी चढ़ाते हैं मंदिरों में तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि फूल भी बहुत सारे नहीं चढ़ने चाहिए परमेश्वर के नाम पर श्रद्धा के नाम पर दो चार दस फूल चढ़ा दो बस बहुत हैं ज़्यादा आरंभ समारंभ अर्थात ज़्यादा हिंसा प्रतिहिंसा नहीं करनी चाहिए ख़ासतौर पर जैसे कि लोग एक दूसरे को सम्मान देने के लिए फूलों के हार का उपयोग करते हैं शादी विवाह में फूलों का उपयोग करते हैं बे तो इनसे बचना चाहिए तो फूल इंसानों का हार बनने के लिए नहीं है परमेश्वर के नाम पर हमने इनको समर्पित कर दिया वहाँ तक फिर भी मन स्वीकार कर लेगा पर इंसानों को देने के लिए एक दूसरे को उपहार देने के लिए गले लगा जा सकता है हाथ मिलाया जा सकता है शॉल ओढ़ाया जा सकता है और भी पचास तरीके हैं जिससे हम एक दूसरे को प्रेम का सम्मान का इजहार कर सकते हैं तो जितना हमसे कम से कम हो हमारे द्वारा हिंसा के दोषों से हमें बचना ही चाहिए यहां तक ये बात होती है हिंसा और अहिंसा की हम लोग फिर भी मांसाहार नहीं करते किसी भी जीव जंतु को नहीं मारते किसी भी स्थिति में तो इस स्थिति में तो अपन सभी लोग अहिंसा का पालन लगभग काफी हद तक अपन लोग कर लिया करते हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि हिंसा यानी भाषण के द्वारा हिंसा कृत्य के द्वारा हिंसा तो हम लोग वाणी के द्वारा एक दूसरे को ठेस पहुंचा देते हैं और परवाह भी नहीं करते एक सास झट से अपने बहू को दो टेढ़ी लाइन कह देती है तो हम ही नहीं करते हैं उसकी जबकि एक शुद्ध अहिंसावादी व्यक्ति तो यही कहेगा एक अध्यात्म चेतना का व्यक्ति यही कहेगा कि एक सास के द्वारा बहु को कहा गया मर्मांतक शब्द एक पति के द्वारा पत्नी को कहा गया मर्मांतक शब्द किसी भी जानवर की की गई हत्या के समान ही कहलाएगा तो बेहतर यह होगा कि हम वाणी के द्वारा किसी की निंदा न करें आलोचना न करें ज्यादा टेढ़ी बात ना कहें उग्र प्रतिक्रिया ना करें ठीक है सामान्य प्रतिक्रियाएं हो जाती है साथ में बैठे इसलिए दो शब्द कहने सुनने में आ जाते होंगे एक दूसरे के साथ सारे लोग तो कोई संत पुरुष हो नहीं गए हैं तो ऐसी स्थिति में यह विवेक तो जरूर रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कहीं कोई उग्र प्रतिक्रिया ना हो जाए कि ऐसी उग्र प्रतिक्रिया हो गई कि जिसने एक दूसरे को तोड़ ही डाला संबंध ही बिखर गए देखिए दुनिया के भीतर दो बातें चलती है। एक है अकड़ और एक है पकड़ एक है अकड़ एक है पकड़ तो पकड़ का मतलब हो गया कि जो बातें अपन पकड़ के बैठ जाते हैं उनको छोड़ते नहीं है लेके बैठ गए तो पकड़ भी हमारी कमजोर हो जानी चाहिए ठीक है पकड़ के मत बैठो ठीक है हो गया सो हो गया जितना जल्दी उसको भुला सकते हैं उतना भुला देना चाहिए जितना जल्दी मैटर क्लोज कर सकते हैं उतना कर देना चाहिए और दूसरी अकड़ कि अकड़ रखेंगे तो टेढ़े शब्द बोले जाएंगे अकड़ रखेंगे और कोई उपेक्षा कर देगा तो सहन नहीं होगा तो ये हिंसा का दौर वाणी के द्वारा चलता रहेगा भले ही हम लोग किसी जीव जंतु की हत्या या हिंसा न करते हों तो भी मैं तो समझता हूँ अहिंसा का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि हम हिंसा नहीं करेंगे मेरी समझ से अहिंसा का मतलब होता है कि हम दया धर्म का पालन करेंगे दीन दुखियों की मदद करेंगे यह अहिंसा हमें सिखाती है यह अहिंसा के अर्थ का विस्तार है तो दीन दुखियों की मदद करो मैंने सुना है कि अमेरिका के महान राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन जी तो कहते हैं अब्राहम लिंकन जी एक दफा पार्लियामेंट के लिए रवाना हुए थे कि तभी बीच में उन्हें एक कीचड़ का गड्ढा नजर आया जहां एक सुअर फंसा हुआ था नाला नजर आया या गड्ढा नजर आया एक सुअर फंसा हुआ था वो जोर जोर से पुकार रहा था अब्राहम लिंकन को लगा कि ये बेचारा फंस गया मुझे इसे निकाल देना चाहिए तो अब्राहम लिंकन जी वहीं रुके सुअर के पास जाने लगे उनके व्हाइट सूट पहना हुआ था वाइट हाउस जा रहे थे तो उन्होंने झट से अपनी बाहों को ऊपर उठाया जो कोट पहना हुआ था उसकी बाहों को ऊपर उठाया पैंट को मरोड़ करके उसे भी ऊपर चढ़ाया और कीचड़ में उतर गए और सुअर को खींच के बाहर निकाला जैसे वो बाहर निकला कि वो क्या कहते हैं उसको जिस तरह से वो हिलता है फड़फड़ाया और जब वो फड़फड़ाया तो कीचड़ उसके शरीर पर लगा हुआ था वो उछला और अब्राहम लिंगन जी के कपड़ों पर गिर गया हालांकि हाथ की जो बाह थी उसको तो ऊपर चढ़ा लिया था पाओं की जो पतलून थी उसको भी ऊपर चढ़ा लिया था पर बाकी शरीर पर तो कीचड़ लग गए अब लग गए तो लग गया उन्होंने वापस अपने जितना झटका सकते थे झटका दिया और निकल पड़े जब वहां पहुंचे तो कीचड़ से भरे हुए सने हुए छींटे लगे हुए कपड़े लोगों को नजर आए तो तो पहले तो उन्होंने पहुँचने दिया कि मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं दस मिनट पहुँचने में विलम्ब हो गया दरअसल रस्ते में एक सुअर फंसा हुआ था तो उसे निकालने में दस पंद्रह मिनट का वक्त निकल गया तो लोगों ने कहा कि आपके कपड़े भी ख़राब हो गए बोले कोई बात नहीं भाई कपड़े तो धुल जाएंगे कम से कम एक सुअर की जान तो बच गई तो कहने लगे कि पर इससे आपके कपड़े भी तो इतने गंदे हो गए बोले धुल जाएंगे भाई तो कहा गया कि सचमुच आप बहुत दयालु पुरुष हैं कि आपने एक सुअर का दुख दूर किया उसकी पीड़ा दूर की तो अब्राहम लिंकन ने कहा नहीं भाई मैंने उसका दुख दूर नहीं किया मैंने अपना ही दुख दूर किया मैंने उसकी पीड़ा दूर नहीं की मैंने अपनी पीड़ा दूर की है क्योंकि उसकी पीड़ा को देख मैं पीड़ित हो गया और मैंने अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए उसको बचाया अगर मैं न बचा पाता तो मैं यहाँ बैठकर भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता यह है दया ये दया है कि आदमी ने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की और पीड़ित प्राणी को बचाने के लिए निकल पड़े यह बहुत अच्छी बात है संसार में यह दया का विस्तार होना चाहिए आज अगर जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं उग्रवाद फैला रहे हैं उनके पास केवल एक ही भाषा है मरो और मारो उनका कहने का अभिप्राय केवल यह है हमें ही जीने का अधिकार है हम ही जिएंगे, तुम भले ही मरो उनकी भाषा क्या होगी कि तुम भले ही मरो मर ही जाओ हमें जीने का अधिकार है हम ही इस दुनिया पर राज करेंगे अहिंसावादी कहेगा तुम भी राज करो हम भी राज करते हैं अहिंसा व्यक्ति को जीना सिखाती है और अहिंसा व्यक्ति को मरना और मारना सिखाती है यह बुनियादी फर्क है और यह दुनिया एक दूसरे को जीवन देकर ही बचाई जा सकती है एक दूसरे को मार के कभी भी बचाई नहीं जा सकती तो खूब प्रेम करो खूब स्नेह करो दोस्ती निभाओ मूमन जैसे कि लड़कियां हैं अब ये लड़कियां शादी नहीं होती है तब तो कॉलेज में खूब मिलती है जुलती है घूमती है फिरती है दोस्ती निभाती है लेकिन शादी होने के बाद एक दूसरे से संबंध कट जाते हैं नहीं दोस्ती निभनी चाहिए मित्रता निभनी चाहिए कृष्ण भगवान कहला बैठे राजमहलों के महान सम्राट हो गए मगर फिर भी सुदामा के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी और जैसे ही पता चला कि मेरा वो पुराना दोस्त आया है तो उसके दुखड़े को दूर किया उन्होंने तो दोस्ती अंतिम चरण तक रहनी चाहिए बगर बगैर मंगल मैत्री के भाव के ये दुनिया में हम लोग सुख से जी नहीं सकते एक दूसरे की मदद जो हम कर रहे हैं परस्परोप ग्रहो जीवानाम सब अपन यहां पर एक दूसरे पर टिके हुए हैं अवलंबित हैं ऐसा मत सोचो कि केवल मैं ही चला रहा हूं कि आप ही हैं सब अपन यहां पर एक दूसरे के सहयोगी हैं सासू को बहू का सहयोग है बहू को सासू का सहयोग है पति को पत्नी का सहयोग है पत्नी को पति का सहयोग है सब यहां पर एक दूसरे पर अपन आधारित हैं अवलंबित हैं मतलब कोई ये ना समझे कि भाई मैं ही कर रहा हूं मैं ही कमा के ला रहा हूं भाई तुम कमा के लाते हो गए घर वाले तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं तुम कमा के लाते हो गे घर वाले तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तुम्हें लगता होगा कि दादा दादी बूढ़े हो गए वो कोई काम के नहीं है वो भी काम के हैं वो अपने हिसाब से अपने तुम्हारे बच्चों को यानी अपने पोते पोतियों को संस्कार दे रहे हैं तुम्हारे घर की मुफ्त की चौकीदारी कर रहे हैं घर में रहने वाली तुम्हारी बहू या पत्नी की हिफाजत कर रहे हैं जरा सोचो कि अगर घर में ससुर जी नहीं होंगे अकेली बहू होगी उसकी हिफाजत कौन करेगा तो घर में जो सास जी हैं जो दादी सास हैं, जो ससुर जी हैं वो तुम्हारी पत्नी की हिफाजत भी कर रहे हैं सब चीजों की उपयोगिता है दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है हमें खूब मित्रता को निभाना चाहिए अहिंसावादी अगर बनना है तो केवल यह मत सोचो पानी के जीव नहीं मरने चाहिए वो छोटी छोटी हिंसा ठीक है हमें हमारे द्वारा किसी भी तरह की सूक्ष्म हिंसा हमसे नहीं होनी चाहिए पर किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए आलोचना नहीं होनी चाहिए उग्र प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए खूब प्रेम करो एक दूसरे से प्रेम करो मंगल मैत्री भाव रखो प्राणी मात्र के प्रति मंगल मैत्री भाव और जब सुबह ध्यान से उठते हो प्रार्थना से उठते हो तो अगर लगता है कि अमुक व्यक्ति आपका विरोधी है तो सुबह उठ कर के ध्यान से जैसे उठो ईश्वर को याद करते हुए हाथ जोड़ो और कहो प्रभु उसको सद्बुद्धि दे मेरे मन में उसके प्रति सद्भाव है उसके मन में भी मेरे प्रति सद्भाव हो इससे हमारा आभा मंडल निर्मल होगा हमारे मन के विकल्प हमारे मन की धाराएं निर्मल होंगी और नहीं तो ये होगा कि हम लोग कहने में तो कह देंगे कि साहब मैं उसका विरोध नहीं करता पर फिर भी विरोध हो ही जाता है चाहे जाने अनजाने विरोध हो ही जाता है तो पहला है हिंसा का निषेध और हिंसा का निषेध ही केवल ना हो अहिंसा का पाठ हमें सिखाता है सबके प्रति प्रेम हो मैत्री भाव हो सबको सम्मान दो आदर से बोलो आप कहो ऐसे काम करो जिससे उसके दिल को सुकून मिले एक सास अगर अपनी बहू को इज्जत देती है तो यह मत समझो ये कोई पारिवारिक मामला है एक सास के द्वारा बहू को सम्मान देना यह पारिवारिक अहिंसा है एक सास के द्वारा बहू को लताड़ना एक पारिवारिक हिंसा है एक भाई के द्वारा भाई की मदद करना यह पारिवारिक सहयोग है पारिवारिक दया है और भाई के द्वारा भाई को कोर्ट कचहरी पहुंचाना यह पारिवारिक हिंसा है यह पारिवारिक नफरत और घृणा है तो परिवार में ही अगर हम अहिंसा को ठीक ढंग से अगर हम नहीं जी पाते हैं, तो समाज में कैसे जी पाएंगे तो मैं तो केवल इतना सा कहूंगा कि केवल जीव जंतुओं की अहिंसा को ही अहिंसा ना समझें वरन जिस परिवार में हम लोग जीते हैं समाज में हम जीते हैं इंसानों के बीच जीते हैं उनकी हिंसा से भी बचना चाहिए और उनको भी हमारी ओर से सहयोग का द्वार खोलना चाहिए ये अहिंसा है तो महावीर ने जो पांच व्रत दिए उनमें पहला व्रत है और वो है अहिंसा हम केवल उसके नेगेटिव अर्थ को ही ना समझें कि हिंसा ना करो हम उसके पॉजिटिव अर्थ को भी लें कि हम अपनी ओर से जहां तक हो सकेगा ठेस नहीं पहुंचाएंगे फिर भी अगर लगता है मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो जैसे ही एहसास हो जैसे ही हमारा टेम्परेचर ठंडा हो डाउन हो गुस्सा ठंडा हो जाए तत्काल हमें एहसास करना चाहिए प्रायश्चित करना चाहिए उसे जाके सॉरी कहना चाहिए मान लो खुदा न खास्ता अगर उग्र प्रतिक्रिया हो गई वे इंसान है और प्रकृति से अपन लोग क्रोध भी तो साथ में लेके आते हैं जन्म से लेके आते हैं तो अगर खुदा न खास्ता अगर लगता है तेजी आ ही गई तो जैसे ही तेजी आती है ठीक है उस समय हमें बोध ना रहा पर तेजी आखिर तो आधे घंटा बाद एक घंटा बाद कभी ना कभी तो ठंडी होगी जैसे ही हमारी तेजी ठंडी हो कि तत्काल जैसे हमें फीलिंग हुआ हमने सोचा मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और हमें तत्काल जाके सॉरी कह देना चाहिए अथवा किसी और से गलती हो गई तो उसको माफ कर देना चाहिए ठीक है भैया आप आ जाओ जैसे मान लीजिए कि एक बहू रानी से गलती हो गई ससुर ने उठा करके चार गालियां ठोक दी बहू को आ गया गुस्सा और वो जाके कमरे में बैठ गई मुझे खाना नहीं खाना अब बेचारी सासू सोचती है कि यार बेचारी बच्ची भूखी बैठी है खाना खा ले अब गुस्से में वो भी अंदर बैठी है भूख तो उसको भी लग रही होगी पर अब उपवास कब तक करेगा इंसान आखिर तो भोजन की शरण में आना ही होगा तो फिर सासू जी कहती है अच्छा अच्छा भाई अब खाना परोस दिया ले 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 तो फिर चली भी आती होगी तो अगर ससुर जी से कभी टेढ़ी बात बोलने में आ जाए और जैसे फीलिंग होता है नहीं यार मैंने फालतू ही बच्ची को डांटा ठीक है बेटा यार ज़्यादा अच्छा तो होता है कि जो भूमिका सासू ने अदा की कि अपनी बहू रानी को बुला करके खाना खिलाया वो भूमिका अगर ससुर साहब अदा करते तो ये हकीकत में उनके क्रोध का सच्चा प्रायश्चित कहलाता और दोबारा उस बहुरानी को वैसी गलती करने पर विवशता नहीं होती वो भी सोचती नहीं पापा जी कितने बड़े दिल के आदमी हैं मैंने गलती की तो भी भले उनको गुस्सा आया उन्हें डांट लगे पर मुझे खाना भी तो उन्होंने खिलाया प्यार भी तो उन्होंने किया वापस वैसी गलती नहीं हो पाएगी तो पहला पाठ है मैं हिंसा नहीं करूंगा या मैं हिंसा नहीं करूंगी दूसरा पाठ है महावीर का दूसरा व्रत है और वो है सत्य अहिंसा अगर धर्म की धुरी है अहिंसा अगर धर्म की माता है अहिंसा अगर जगत का पिता है तो सत्य इस धर्म को जन्म देने वाला तत्व है सत्य एक ऐसा अकेला धर्म है कि जिसके अंतर्गत दुनिया के सारे धर्मों को समाविष्ट किया जा सकता है एक अकेला धर्म और वो है सत्य का धर्म तो दुनिया में तो कहा ही यही जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम सत्य है तो शिव है और शिव है तो सुंदर है केवल सौंदर्य क्या काम का अगर वो सौंदर्य कल्याणकारी न हो दूसरों पर टॉट बाजी कसने वाला सौंदर्य है तो वो सौंदर्य क्या काम का तो सौंदर्य वही सही है जिसके भीतर शिव समाया हुआ है कल्याण भाव समाया हुआ है और शिव भाव जिसमें है उसी में है जिसमें सत्य है तो आदमी की ताकत क्या है सत्य आदमी की ताकत है और अगर आदमी अपने सत्य को गिरवी रख बैठेगा तो ताकत खत्म हो जाएगी सत्य को अगर हमें अपने जीवन में जीना है तो वाणी का सत्य जरूरी है नंबर एक नंबर दो आचरण का सत्य जरूरी है नंबर तीन जो हम कमाई करते हैं उस कमाई का सत्य जरूरी है यानी ईमान यानी प्रामाणिकता तो आदमी की वाणी में प्रामाणिकता है कि उसने जो कह दिया वो प्राण जाए पर वचन न जाइए कि प्राण जा सकते हैं पर मुंह से अगर शब्द निकल गया है तो हम उसको करेंगे आज सुबह ही एक व्यक्ति आया था टाइल्स दिखाने के लिए तो बताने लगा कि उसका सेठ सिंधी है और बहुत अच्छा आदमी है मैंने कहा कि आपने अपने सेट को अच्छा कहा कोई वजह तो बोले साहब वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही टाइल्स के रेट चल रहे हैं अभी सोलह रुपये तो कहीं बड़ा ऑर्डर मिल रहा था तो मैंने चौदह रुपये में सौदा तय कर दिया और जब वहां पहुंचा तो पता चला कि आज जो माल उतरा है वो माल अठारह रुपये में पहुंचा है तो मेरे सेठ ने कहा कि अब क्या किया जाए तो कर्मचारी ने कहा कि मैं जाकर के उनसे कह आता हूं कि साहब इस तरह से माल महंगा हो गया है इसलिए हम चौदह रुपये रेट में दे नहीं पाएंगे उस सिंधी सेठ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता माल भले ही हमारे यहाँ महंगा आया हो पर तुम अगर हमारे फर्म में काम करते हो हमारी कंपनी में काम करते हो दुकान या ऑफिस में तुम अगर चौदह रुपये में बोल के आए हो तो हम माल चौदह रुपये में देंगे बोले साहब अभी कुछ दिन पहले ही मेरे सेठ ने जो मुझे तीन हज़ार रुपये महीना देता है मेरे कारण साढ़े आठ हज़ार रुपये उसने नुकसान उठाए थे केवल इस बात के लिए कि अगर मेरा कर्मचारी भी अगर कहीं बोल के आ गया है तो मैं मानूंगा वो मैं बोल के आया हूं और मैं अगर कहीं बोल के आता हूं तो मैं अपने शब्द को वापस पलटने नहीं दूंगा हानि लाभ होते रहते हैं पर हमारा शब्द हमारा वाक्य हमारा सत्य नहीं परिवर्तित होना चाहिए ये ईमान है वाणी का सत्य भी सत्य है चाहते थे तो दशरथ कह सकते थे भाई वो तो युद्ध के मैदान में दिया गया वर था कह कही ये राजमहल में दिया जाने वाला वर नहीं है जो मैं कह दूं कि राम को वनवास मिल जाए और भरत को राज्याभिषेक हो जाए नहीं वचन अगर मुंह से निकला है तो उस वचन के लिए मुझे अपने आप को भी कुर्बान करना हो और मेरे सबसे प्रिय पुत्र को भी अगर कुर्बान करना हो तो मैं करूँगा पर अपने सत्य की आन रखूंगा साँच साँच सो साँच जो सत्य होता है वो हर हालत में सत्य ही होता है जहां सांच तहां आप है तो जहां पर सत्य होता है वहीं पर ही आप यानी प्रभु का निवास हुआ करता है तो ट्रुथ इज गॉड सत्य ही भगवान है तो एक सत्य होता है वाणी का वाणी से बोलो मत पर अगर बोल दिया है तो उसको निभाओ बोलना जरूरी नहीं है मौन बहुत जरूरी है बोलना यह कोई दर्जी कैंची थोड़ी है जो दिन भर चलती रहेगी मौन रहो कोई जरूरत नहीं है बोलने की पर अगर बोलते हैं तो मुंह से कोई शब्द निकल गया है तो उसको अमल में लाने के लिए दूसरा व्यक्ति जागरूक ना हो हमने कहा है तो हम उसको अमल में लाएंगे दूसरे व्यक्ति ने हमें थोड़ी कहा कि भाई आज से तुम ये बात अमल में लाओगे तुमने खुद नहीं अगर ये निर्णय किया मुंह से अगर बोल दिया कि मैं आज के बाद इस बात को अमल में लाऊंगा मुंह से अगर बोल दिया तो बोलने से पहले सोचो बोल दिया अब वो पत्थर की लकीर हो गई मर के मरके वो उसको निभाएंगे तो तुलसीदास जी से रामायण से जो लोग प्रेरणा लेना चाहते हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए प्राण जाहि पर वचन न जाहि दिए हुए वचन को और लिए हुए, हुए, हुए नियम को मर के भी इंसान को निभाना चाहिए दिए हुए वचन को और लिए हुए नियम को मर के भी निभाना चाहिए या तो मत लो कोई जरूरत नहीं है व्रत नियम लेने की पर अगर ले लिया है किसी की प्रेरणा मिल गई आपको और लग गई दिल में बात और आपने नियम ले ही लिया ले ही लिया तो फिर उसको आप निभाएंगे वचन मत दो पर अगर किसी को कह दिया कि हां मेरा वादा है मैं निभाऊंगा तो निभाऊंगा तो ये नहीं निभाऊंगा अब जो भी उसके सामने जैसी भी स्थितियां आएंगी आएंगी अब उसका क्या किया जाए ये तो किसी को वचन देने से पहले सोचो और जब तुमने बिना सोचे किसी को वचन दे दिया तो अब जो भी बाधाएं आएंगी अब निभाना पड़ेगा तो दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र जैसे लोग इसी सत्य के कारण आज भी संसार में पूजे जाते हैं और लोग मानते हैं कि उसे कहते हैं ईमान उसे कहते हैं सत्य मरघट में बिकना स्वीकार कर लिया फांसी के फंदे पर लटकना स्वीकार कर लिया राज महल के राजा की बजाय भिखारी बनना पसंद कर लिया पर अपने सत्य को न छोड़ा सत्य बहुत बड़ा धर्म है हमारे आचरण में सत्य होना चाहिए हमारे वाणी में सत्य होना चाहिए हमारी कमाई में सत्य होना चाहिए साची कमाई करो झूठ की कमाई चोरी कहलाएगी इसलिए महावीर को आवश्यकता पड़ी कि व्यक्ति कमाई में भी सत्य को जी सके इसलिए उन्होंने तीसरा व्रत ही बना दिया और वो है अचौर्य व्रत ताकि व्यक्ति कमाई जो करे उसमें चोरी जारी ना हो आजकल तो पूरे संसार में पैसे का इतना महत्व बढ़ गया है सत्य तो गया एक किनारे लोगों के लिए पैसा ही परमेश्वर बन गया है धन ही भगवान हो गया है तो परिणाम ये निकल रहा है कि लोग अपने सत्य को ईमान को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं केवल अपने पैसे को जैसे तैसे येन केन प्रकरण बचाने की और उसको बढ़ाने की जुगत बैठाते रहते हैं कुछ तो व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ गए हैं दो नंबर एक नंबर ये दो तरह के पैसा पैसे कहलाने लग गए हैं तो इसकी वजह से भी आदमी झूठ बोलने लग गया है तो अगर इन व्यवस्थाओं में ये जो टैक्स हैं एक नंबर और दो नंबर वाले जो पैसे हैं इन सबको अगर ये जो भेद हैं अगर इनको हटा दिया जाए तो इंसान झूठ नहीं बोलेगा झूठ काम नहीं करेगा चोरी नहीं करेगा आज अगर कोई व्यक्ति मैंने सुना है कि विदेशों में अभी अभी एक सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे दुबई से आए थे बोले साहब वहाँ के कानून बड़े कड़क हैं कोई पुरुष अगर किसी महिला को छेड़खानी कर दे तो सीधा कारागार में जाएगा और वहाँ कोई स्टाफ का कर्मचारी भी अगर दूसरे कर्मचारी को थप्पड़ मारेगा तो भी कारागार में चला जाएगा और सड़क पर सौ की स्पीड में कार चलानी है तो तुम अस्सी में नहीं चला सकते और 120 में भी नहीं चला सकते सौ वाली जो पटरी है उस पर सौ की स्पीड में ही गाड़ी चलेगी कम या ज़्यादा नहीं क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और अगर आपने उसमें कुछ भी गड़बड़ी की तो पकड़े जाएंगे और कारागार जाना पड़ेगा तो वहाँ के नियम कायदे कानून बड़े सख्त हैं मैंने पूछा वहाँ पर भी पुलिस वाले अगर गाड़ी आगे पीछे हो जाए स्पीड में तो क्या पैसे लेते हैं बोले वहाँ ये सब व्यवस्थाएं नहीं चलती क्योंकि वहाँ पैसा इतना है कि उनको ये सब ऊँधे सूंधे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पता नहीं है हमारे देशवासियों को ये सदबुद्धि कब आएगी हालाँकि पैसा तो यहाँ भी बहुत हो गया है पहले की बनस्पत तो आज पैसा बहुत बढ़ गया है पर हमारी बुद्धि अभी भी सदबुद्धि नहीं हो पाई है हमने अभी तक सत्य को अपना धर्म नहीं समझा हमने अभी तक सत्य को अपना धर्म नहीं समझा हम मानते हैं कि अहिंसा हमारा धर्म है और वहां के लोगों ने समझा है सत्य हमारा धर्म है वो लोग जल्दी से झूठ नहीं बोलते हैं चोरी नहीं करते हैं वो लोग वो लोग जल्दी से टैक्स नहीं चुराते हैं वहां अगर वो लोग कोई गेम खेलेंगे तो करोड़ों का गेम खेलेंगे और लंबे चौड़े गेम खेलेंगे छोटे मोटी वो चोरियां नहीं करते हैं यहां तो अगर आप शमशान घाट में भी गए हैं और वहां पर आप सावन भूल के आ गए हैं तो दो घंटा बाद जाएंगे तो आपको शमशान में भी आपको साबुन नहीं मिलेगी सत्संग में चले जाओ मंदिर चले जाओ तो वहाँ जूते अगर नए पहन के चले गए हैं गए आप तो काम से इसलिए घर वाले लोग दो तरह के जूते रखते हैं एक मंदिर वाले एक ऑफिस वाले जैसे छोटे बच्चों की पेंसिल दो होती है ना एक घर वाली पेंसिल और एक स्कूल वाली पेंसिल तो वैसे ही उनके जूते दो तरह के होते हैं एक मंदिर वाले जूते वो ऐसे पहन के जाएंगे जिनको उठा के सोचेगा भी नहीं नजर ही नहीं डालेगा लेकिन वहां के लोग सत्य को धर्म मानते हैं अपने अपने धर्म की फिलोसॉफी है उन्होंने सत्य को हर हालत में प्रामाणिकता को हर हालत में सुरक्षित रखा है इसलिए विदेशों में तो यह बात आप कईयों के मुंह से सुन सकते हैं कि कैमरा भूल गए और आपको आपके घर घर पर कैमरा पहुंचा दिया गया पूछा गया कि भाई आपको पता कैसे चला कि यह कैमरा हमारा है बोले इसमें जो रील थी हमने उससे फोटो खिंचवाए एनलार्ज किए और उसमें जो फोटो आए तो उन्हीं फोटोओं में आप अपनी कार के बाहर खड़े थे और उसके साथ ही फोटो खिंचवाया तो हमने और उसको एनलार्ज किया कि कार का नंबर हमने एनलार्ज करके और उससे पता लगाया कि ये कार का नंबर किसका है और उसके जरिए फिर हमने लाइसेंस कंपनी में फ़ोन करके पूछा कि ये नंबर किसका है और तब पता चला कि ये अमुक व्यक्ति का और उसका पता ढूंढते हुए हम आपके पास तक पहुंचे हैं अपने देश में ऐसा अभी तक मैंने तो कहीं सुना नहीं है अगर होता है तो ये देश निश्चय ही सत्यनिष्ठ कहलाएगा हरिश्चंद्र जी का देश कहलाएगा तो वहां के लोगों ने सत्य को सुरक्षित रखा है हम लोगों ने अहिंसा को सुरक्षित तो रखा पर अहिंसा कुछ कौम में ही सुरक्षित रह गई बाकी की कौम अहिंसा पर भाषण दे सकती है अहिंसा पर बोल सकती है पर वहां अहिंसा को बारीकी के साथ नहीं जिया जाता तो मेरी समझ से तो कमाई में भी सच्चाई होनी चाहिए ठीक है एक आदमी गरीब है वो चोरी कर लेता है बात समझ में आ जाती है पर एक आदमी अमीर हो गया तो भी वो टैक्स चुरा रहा है एक आदमी अमीर हो गया तो भी उल्टे सुलटे कर रहा है अब ये जितने भी बड़े बड़े रिश्वतखोर हो गए हैं दुनिया में देश में वो सारे लोग ठीक है भाई कल तक तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तुमने रिश्वत ले ली होगी पर आज तुम्हारे पास लाखों हो गए तब भी वो आदत तो जा नहीं रही फिर भी अपन वही करोड़ों ऐठते जा रहे हैं एक बार तुमने दस लाख ले लिया अपनी एक बिल्डिंग बना ली चलो माफ़ कर देते हैं तुम्हें पर आदमी को लगता है बिना मेहनत किए अगर यूं ही मिल जाता है तो मेहनत कौन करे? जो काम एक दिन में हो जाता है उसके लिए दस साल इंतजारी कौन करे ये जो आज बिहार में यूपी में जो भी दादागिरी बढ़ रही है या ये समझो कि ट्रेन में रोजाना सुनते हैं अमुक चीज़ें चोरी हो गई मालगाड़ी में से डिब्बे के डिब्बे खाली हो गए तो ये सब वो लोग करते हैं जो लोग कर्मयोग करना नहीं जानते मेहनत करना नहीं जानते तो वे फिर ऐसे ऊंधे सूंधे करके पैसा अर्जन करते हैं पर तय है पुरानी कहावत है चोरी का धन मोरी में तो उनका धन भी फिर वैसे ही व्यर्थ चला जाया करता है उनके पास सुरक्षित नहीं रहता तो ये जो जितनी शराब फैल रही है जितने ऊंधे ऊंधे काम हो रहे हैं ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास ऊंधे से पैसे आ गए हैं ईमान का पैसा साँच, साँची कमाई का पैसा कोई भी आदमी व्यर्थ करना नहीं चाहता वो व्यर्थ हो भी नहीं सकता इसलिए कहा जाता है कि जब कोई पर्स खो जाता है और जब वो वापस हमारे पास लौट कर आ जाता है तो झट से आदमी कहता है भाई सांची कमाई का माल था खरी कमाई का माल था इसलिए जाता कहाँ से मेहनत करके कमाया है मैंने साँच साँच सो साँच झूठ झूठ सो झूठ जो सत्य है वो सत्य है झूठ है सो झूठ है इंसान जन्म से सत्य तो अपने साथ लेकर आता है लेकिन झूठ बाद में अर्जित होता है एक बालक छोटा होता है वो झूठ बोलना नहीं जानता वो हमेशा सत्य बोलना जानता है क्योंकि प्रकृति जन्म से ही इंसान को सत्य रूप में पैदा करके भेजती है झूठ तो फिर समाज के संपर्क में रहकर झूठे लोगों के संपर्क में रहकर माँ बाप को झूठ बोलते हुए देखकर भाई या दादा दादी को झूठ बोलते हुए देखकर फिर वो झूठ बोलना सीख जाता है तो झूठ तो बाहर से आया हुआ दुर्गुण है और सत्य सहज स्वाभाविक रूप से भीतर में पैदा होने वाला गुण है बच्चा इसलिए कहते हैं बच्चा हमेशा सत्य बोलता है बच्चा झूठ नहीं बोलता और बच्चा अगर झूठ बोल गया तो मानकर चलो कि जरूर उसके माँ बाप झूठ बोलते होंगे तभी उनका दुर्गुण उसके भीतर आया है बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखा करता है तो एक बात हमें प्रेरणा मिलती है इस सत्यव्रत से कि हमें अपनी ओर से पूरी पूरी जागरूकता रखनी चाहिए कि हम झूठ ना बोलें झूठे कार्य न करें झूठे या रिश्वतखोरी वाले काम घपलेबाजी वाले काम न करें और जहां तक हो सके अपन लोगों को पूरी पूरी तरह से सत्य को जीने का प्रयत्न करना चाहिए बिना कोई धर्म क्रिया किए बिना कोई मंदिर मस्जिद गए अगर हम एक सत्य को भी अपने जीवन में जीते हैं तो निश्चित तौर पर अपन सब लोग धार्मिक होंगे मतलब कोई यह ना समझे कि मंदिर मस्जिद जाने से ही कोई व्यक्ति धार्मिक होता होगा सत्य को जीना अपने आप में धर्म का शुद्ध आचरण करने के समान है अपने आप में ही धर्म है आपकी ये जो सद्भाव है कि कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो व्यवस्था के कारण बोलता है या अन्य किसी वजह से तो उसको व्यवस्था बदलने की प्रेरणा देनी चाहिए या झूठ बोलना छुड़वाना चाहिए एक बात ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति झूठ बोलने का आदि होता है वो किसी भी रूप में झूठ बोल लेगा लेकिन जो सत्य बोलने का आदि होता है वो चाहे जैसे निमित्त क्यों ना आ जाए वो मौन रह लेगा बात को इधर उधर घुमा के कह देगा पर वो झूठ स्थापित करना कभी भी पसंद नहीं करेगा मतलब वो झूठ कभी भी बोलेगा ही नहीं स्थापित नहीं करेगा वो अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए इधर उधर की गली निकाल देगा लेकिन झूठ को स्थापित करना वो पसंद नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति जहां तक व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाएं भी बदलनी चाहिए और व्यक्ति की आदत भी बदलनी चाहिए पर अगर व्यवस्थाएं नहीं भी बदलती हैं पर अगर कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ होने का व्रत लेता है तो व्यवस्थाएं चाहे अनुकूल बने या प्रतिकूल ठीक है साहब गलती हुई है हुई है कोई अगर मुझसे आके पूछेगा कि क्यों साहब आपसे ऐसी गलती हुई और अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं कह दूंगा हाँ सब गलती हुई है भले बोले कि अगर आप ऐसा बोल देंगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा ये वो करना पड़ेगा ठीक है।, है चले जाएंगे भाई मेरी समझ से झूठ तब बोलना चाहिए जब लगता है आदमी को कि इज्जत बहुत बड़ी बेइज्जत हो रही है तब वहां पर झूठ बोल दिया चलो भाई चल जाएगा या जहां लग रहा है कि फांसी के फंदे पर अपन लटक रहे हैं कोई अपन अभी तक इतने बड़े सत्यवादी तो हुए नहीं है कि फांसी का फंदा भी स्वीकार कर ले सत्य की रक्षा के लिए कोई हरिश्चंद्र जी तो हुए नहीं है पर ये तो प्रयत्न रख सकते हैं कि ठीक है अगर थोड़ी बहुत इसके कारण मेरी बे होती है कोई बात नहीं और या फिर सबसे बढ़िया ना सबसे मीठी चुप सबसे बली चुप ठीक है मौन रहो अगला पूछा चुपचाप कोई जवाब ही नहीं दे रहा है नहीं दे रहे हैं मम्मी पूछती है बता अब जैसे वो बिटिया बैठी है गरिमा और उनसे कोई पूछे बता तेरा किसी लड़के से प्रेम है अब वो सत्य बोले कि झूठ बोले तो चुप हो जाएगी बोले बता सही चुप क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं सामने बोल भी नहीं सकती हूँ कि हाँ ऐसा है ऐसा है तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी तो अब झूठ भी नहीं बोलना है और सत्य बोलो तो खतरा है तो इससे ऐसी स्थिति में क्या करें सबसे मीठी चुप तो जिनको समझना है वो समझ जाओ अगर चुप्पी साध ली है तो इसमें जो समझना है वो समझ जाओ कि भाई मैं सच बोलना नहीं चाहता हूँ और झूठ बोलने की मेरी इच्छा नहीं है छिपाना नहीं चाहता हूँ आपसे पर सच बोलना मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा उचित नहीं लग रहा तो फिर क्या करेंगे अपन तो फिर अपन यही कहेंगे कि सबसे मीठी चुप मेरी समझ से जहां तक हो सके इंसान को सत्य ही बोलने की कोशिश करनी चाहिए पर यह ध्यान रखना चाहिए ऐसा सत्य भी मत बोलो जो दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाता हो इसलिए अहिंसा और सत्य दोनों साथ साथ हैं सत्य हो पर अहिंसा मूलक सत्य हो यानी किसी की हिंसा ना हो जाए ऐसा सत्य ना बोला जाए लेकिन ले मैंने तो सच कह दिया सच कह दिया तो कह दिया भाई ऐसा भी सच मत बोलो ना जो दूसरे को मतलब उसको कारागार में डाल दे तो अब ऐसी स्थिति में इसीलिए तो ईश्वर ने बुद्धि दी है कि कहाँ सत्य बोलना चाहिए कहां मौन रहना चाहिए इंसान को केवल बोलना ही नहीं आना चाहिए इंसान को चुप रहना भी आना चाहिए कहां बोलना और कहां न बोलना इस समझ का नाम ही विवेक है इस समझ का ही नाम विवेक है कि कहां पर सही बोलना चाहिए और कहां पर चुप रहना चाहिए हर सत्य बोलने के लिए नहीं होता पर हर सत्य जीने के लिए तो जरूर होता है हर सत्य बोलने के लिए नहीं होता हर सत्य जीने के लिए अवश्य हुआ करता है सत्य को जियो UH, पर सत्य को बोलो कम क्योंकि दुनिया सत्यों को पचा नहीं पाएगी मेरी समझ से दुनिया में आज तक कोई भी आदमी अपने दुर्गुण सुनना पसंद नहीं करता अपनी कमियां सुनना बर्दाश्त नहीं करता कहने में कह देगा साहब गुरु आप मुझे मेरी कमियां बता दी ताकि मैं उनको दूर कर दूं पर मेरी समझ से दुनिया का कोई भी आदमी अपने मुंह पर अपनी कमियां सुनना पसंद नहीं करता है यह जीवन का सत्य है तीसरा व्रत है और वह है अचौरिया चोरी मत करो अर्थात बिना दिए कोई भी वस्तु को ग्रहण करना चोरी है बिना दिए किसी भी वस्तु को ग्रहण करना चोरी है या तो तुम्हारी अपनी उस पर मालकियत हो और अगर तुम्हारी अपनी मालकीयत नहीं है तुमने अगर अपनी मेहनत से उसे अर्जित नहीं किया है और किसी और का अगर कोई भी सामान है वस्तु है कोई पदार्थ है कोई किताब है एक्सप्रीज ऐसा कुछ भी है तो या तो तुम्हारी मालकियत की चीज है तो उसका उपयोग करो और अगर तुम्हारी मालकियत की चीज़ नहीं है तो भगवान कहते हैं बिना स्वीकृति के ली गई वो कोई भी चीज तुम्हारे लिए चोरी का दोष कहलाएगा इसलिए इजाजत जरूरी है इजाजत जरूरी है बगैर इजाजत के किसी भी वस्तु पदार्थ तत्व का उपयोग करना चौर्य कर्म का दोष लगता है देखिए कई तरह की चोरियां होती हैं द्रव्य चोरी किसी भी वस्तु को बिना पूछे ले लेना ये क्या है द्रव्य चोरी दूसरे की जमीन को हड़प लेना दूसरे की जमीन पर अपना कब्जा बैठा लेना क्षेत्र चोरी हो गई अगर हमने किसी से उधार पैसे लिए हैं, किसी को उधार पैसे दिए हैं तो लौटाते समय या यूं समझ लो कि हमने अपने यहां पर किसी मजदूर को काम पर रखा हुआ है तो मजदूर के दिन तो हो रहे हैं इकतीस पर अपन महीने का जब तनख्वाह देते हैं उसको तो देते हैं तीस दिन की तो कहते एक महीना हुआ है ये काल चोरी हो गई समय की हमने उसकी चुरा ली चोरी कर ली एक दिन आगे पीछे कर दिया ब्याज पर लोग जो पैसा लेते देते हैं एक दिन आगे पीछे करते हैं तो उसमें भी उनका धंधा हो गया तो ये काल चोरी हो गई दूसरे के विचारों को दूसरे के भावों को अपने भाव कहते हुए अपने विचार कहते हुए अपने नाम से कह देना ये भाव चोरी हो गई तो इसलिए अगर दूसरे के विचार अपन पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें उन विचारों को अगर कहना है तो या तो पहले घोटो चिंतन करो मनन करो अपने हिसाब से फिर निष्कर्ष निकालो तब अपने नाम से कहो और नहीं तो कोई बात कहनी है तो जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे कोई बात अच्छी लगी मान लीजिए अभी मैं पढ़ रहा हूँ एक अच्छी बात मुझे पढ़ने में आ गई चाहे वो अरविंद जी की हो चाहे वो रविशंकर जी की हो चाहे रामदेव बाबा की हो चाहे वो और कोई महान चिंतक लोग हैं शिवखेड़ा की हो और किसी की भी हो प्रमोद जी की हो प्रमोद जी बत्रा की या कोई भी हो जो भी अच्छे चिंतक है और मुझे लगे नहीं ये बात बहुत अच्छी है तो मुझे बेझिझक उसका उपयोग करने का अधिकार है पर मुझे उनका नाम का उपयोग जरूर कर लेना चाहिए कि आज मैं अमुक किताब पढ़ रहा था और उसमें मुझे बहुत एक अच्छी बात मिली तो फिर चोरी नहीं है क्योंकि मैंने उनका उपयोग कर लिया और नहीं तो मुझे चोरी का दोष लगेगा तो महावीर का व्रत ये हमें समझाता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का उपयोग करना है तो इजाज़त ले लो ठीक है ना जैसे अभी मान लीजिए कि मुझे जैसे मान लीजिए कि ये शीला माता जी बैठे हैं जैसे कि और मुझे इनसे एक पेन चाहिए तो पेन उनके पास ही पड़ा है ऐसे फाल तो ही फालतू ही पड़ा है पर मुझे सीधा उठाना नहीं चाहिए मुझे कहना चाहिए माता जी क्या मैं पेन ले लूँ थोड़ा एक पेन दीजिए तो अपना भले ही मैं चादुर में खुद भी उठा के ले सकता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो मेरे इतने करीबी हैं कि मुझे उनको पूछने की जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी पूछना चाहिए बिना इजाजत के ली गई वस्तु चौर्य कर्म का दोष लगता है तो सत्य और अचौर्य ये दोनों तत्व अगर जुड़ेंगे तब कहीं जाकर हमारी कमाई भी सांची सांची कमाई कहला सकेगी तो व्यर्थ के आजकल जैसे कि अमूमन हर व्यक्ति करता है बिल में चोरी कोई भी चीज़ वस्तु खरीदता है बोले कि भाई अगर आप बिल लेंगे पूरा हिंदुस्तान प्रत्येक दुकानदार से माल खरीदो उसके यहाँ से फिक्स जवाब मिलता है बिल मांगो तो कहता है झट से एक शब्द सुनने को मिलता है सब बिल लेंगे तो बारह परसेंट वेट और टैक्स लगेगा और बिल नहीं लेते हैं तो ठीक है यह फिक्स एक जवाब सुनने को मिलता है तो पूरे हिंदुस्तान में टैक्स चुराए जाते हैं पूरे देश में टैक्स चुराए जाते हैं सभी जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मैं टैक्स नहीं चुराता तो इसलिए आज के तारीख में लोगों के पास सत्य और अचौरी व्रत दोनों ही कमजोर हैं। सांची कमाई किसी के पास नहीं है सबको चोरी या तो करनी पड़ती होगी या करते होंगे या जो भी उसको अपन शब्द कहना चाहें और तो और धार्मिक स्थानों में भी अगर जैसे मार्बल खरीद के आता है तो अभी अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले जब यहाँ मार्बल आया था तो पता चला कि बिल तो बना है चालीस हजार का और माल आया एक लाख रुपए का तो संजोक की बात की मेरा उधर से गुजरना हुआ और मेरी नजर पड़ गई तो मैंने कहा भाई एक लाख का माल आया तो बिल चालीस हजार का क्यों आया तो बोले कि अगर आप एक लाख का माल खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा वैठा हम देंगे भाई कहाँ दिक्कत है टैक्स देंगे टैक्स चुराने की बात तो हमने कभी कही नहीं जो आदमी एक लाख का मार्बल खरीद सकता है उस पर दस हज़ार का टैक्स भी दे सकता है तो वही सब हम हम तो मतलब वेट इस चालीस हजार पर ही लगाएंगे क्योंकि अगर हमारा एक बिल बिगड़ जाता है अगर हम एक बिल को अगर हम बीस रुपया फुट मार्बल पर दे देते हैं तो अब तक जो हमने मार्बल बेचा है वो हमने दस रुपया फुट में ही बेचा है तो वो देने को तैयार नहीं है यानी कि रिश्वतखोरी चोरी अप्रामाणिकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अपन लोगों में कि यहाँ चोरी अब चोरी लगती नहीं है जब अपन लोगों को चोरी चोरी नहीं लगती तो सत्संग में आने वालों को जूते चुराते चोरी, चोरी चोरी नहीं लगती वो भी चुरा के ले जाते हैं ये ऐसा चलता है मेरी समझ से भगवान ने ये जो प्रेरणा दी है ये एक सामाजिक मूल्य है ये एक नैतिक मूल्य है व्यक्ति का कि व्यक्ति अपनी कमाई करे अर्जन करे लेकिन ये विवेक रखे कि मैं व्यर्थ के झूठे प्रपंच नहीं करूंगा रिश्वतखोरी नहीं करूंगा कम से कम लूंगा तो नहीं अगर मुझे अपना काम निकालने के लिए किसी को देना पड़ता है तो ये देश की नाड़ी ही ऐसी होगी खून ही इसमें यहां ऐसा बह रहा है भांगी ऐसी घुली हुई है तो दे दो ना भले पर लेंगे नहीं किसी का अगर काम निकालना है तो मेरे से संभव होगा तो कर दूंगा पर मैं लूंगा नहीं इतना ईमान भी अगर इस देश में हो जाता है तो भी बहुत है चौथा है अपरिग्रह अर्थात सीमित मात्रा में परिग्रह रखा जाए अनावश्यक अटाड़ा इकट्ठा मत करो मकान भी साफ सुथरे रहेंगे अलमारियां भी साफ सुथरी रहेंगी घर भी साफ सुथरा रहेगा पर अगर हम परिग्रह ज्यादा रखेंगे तो भाई अवेर अवेर कर इकट्ठा कर करके सजा सजा के कहाँ कितना सजाएं कहाँ कितना रखें वह इधर रखते हैं तो उधर बढ़ जाता है उधर से हटाते हैं तो इधर बढ़ जाता है कुल दुकानदारी वो वही है परिग्रह परिमाण व्रत अर्थात अपरिग्रह को जीने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत तो परिग्रह परिमाण व्रत का मतलब यह हुआ कि एक बहुत अच्छी परंपरा चलती है हमारे देश में और वह है दीपावली से पहले हर घर की सफाई होती है मैं समझता हूं ये परिग्रह को हटाने का अब परिग्रह व्रत को जीने का एक सीधा सरल तरीका है कि साल में एक दफा घर की सफाई होगी तो जितना भी अटाड़ा पटाड़ा है वो सब घर से निकाल दिया जाए जहाँ भी जीव जंतु पैदा हो गए हैं जो कुछ भी हो गया एक बार सफाई हो जाए तो ये परिग्रह को सीमित करने का ही एक सरल नुस्खा है मैं तो कहूँगा कि साल में नहीं ऐसा होता है कि डबल नहीं भली आप चौबल लाएं लेकिन अटारा तो कम से कम निकाल देना अगर अपन सोचते हैं कि दीपावली के समय पहले तो अपन अटाड़ा निकालते हैं और दीपावली के समय अपन चौबल चौबल ले आते हैं। चौबल लाना परिग्रह कहला सकता है पर वो जो है न, में तो, तो, कम कम तो अपन तो 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 छोड़ते नहीं खरीदारी करना पर कुछ तो अटाड़ा कम हुआ अटाला कम करने से घर की दरिद्रता दूर होती है घर जितना साफ सुथरा रहेगा उस घर का वास्तु दोष उतना ही उससे दूर रहेगा वास्तु की पवित्रता रहेगी अगर घर साफ सुथरा रहता है तो घर भी एक मंदिर है हमें उसे पवित्र रखना चाहिए तो चौथा जो व्रत है वो है अपरिग्रह अर्थात सीमित मात्रा में अपने परिग्रह को इकट्ठा करो संग्रह करो पहले जमाने में बहुत तपी तपस्वी त्यागी लोग हुआ करते थे वो लोग कोई ज़्यादा परिग्रह नहीं रखते थे लेकिन आज भौतिक युग आ चुका है आज बड़े मकान चाहिए सबको कार बड़ी चाहिए मर्सिडीज कार चाहिए सब लोगों को व्यवस्थाएं <coughs> लंबी चौड़ी चाहिए शादी विवाह होने लग गए हैं तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होने लग गए हैं खर्चे बढ़ गए हैं पैसा बहुत बढ़ गया है अब कोई बहुत ज़्यादा गरीब कहलाने वाले गरीब नहीं कहला रहे होंगे शोषण करने वाले होंगे दवाइयों में लोग कमाने वाले कमाते होंगे मिलावट करने वाले मिलावट करते होंगे सब चल रहा है लेकिन इसके बावजूद पैसा बहुत बड़ा है न केवल हमारे देश में पूरे विश्व में पैसा खूब बड़ा है गरीबी होगी अभी भी लेकिन इसके बावजूद आज झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के पास भी मोबाइल है उसकी झोंपड़ी में एक टीवी लगी हुई है उसके पास साइकिल या स्कूटर भले वो सेकेंड हैंड होगा पर कोई ना कोई साधन आज उसके पास उपलब्ध है परिग्रह इंसान की आवश्यकता भी है समृद्धि उसकी ज़रूरत भी है लेकिन व्यक्ति को इसको एक अंकुश देना चाहिए धंधा करने के लिए जाओ सुबह दस साढ़े दस बजे निकले घर से और शाम को सात बजे लौट के आ जाओ परिग्रही कौन कहलाएगा जो सुबह उठता है सात बजे और साढ़े सात बजे पहुंच जाता है दुकान और रात को दस बजे दुकान बंद करता है ग्यारह बजे आता है खाता पीता सोता है बारह बजे बिस्तर में घुस जाता है रजाई में तो वो व्यक्ति परिग्रही कहलाएगा शांति से अपने छः घंटे सात घंटे आराम से अपना कर्म योग कर लो उसमें जो ईश्वर को देना था जो हमारे भाग्य में था आ गया बाकी मस्त हैं संतोषी सदा सुखी है। कमाने का कोई एक लिमिट तो है नहीं कितना कमाएं कितना इकट्ठा करें कितना खाएँ कितना, खाए, कितना भोगे कितना करें कोई एक लिमिट तो है नहीं उसकी अनलिमिटेड है ये सब चीज़ें ये सब प्राइवेट कंपनी है ना ये प्राइवेट कंपनियाँ सब अनलिमिटेड होती हैं खाना पीना अंगना मोतना भोगना ये सब अनलिमिटेड चीज़ें होती है प्राइवेट कंपनियाँ पर आखिर अगर व्यक्ति को एक अंकुश लगाना होगा भोग परिभोग पर साड़ियों पर कपड़ों पर तो इसलिए मैं तो ये सलाह दे देता हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा परिग्रह हल्का करते रहो पता भी नहीं चलेगा और हल्का होता चाहिए